तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे YouTube के दो नए अपडेट के बारे में, जिसमें पहला है आपको मिलेगा आपके चैनल पे YouTube कॉपीराइट माइस टूल, और दूसरा आपको मिलेगा आपके चैनल पे YouTube स्पॉन्सर करके। ये बटन आप कैसे काम करेगा और ये जो टूल है ये कैसे काम करेगा, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। तो मैं हूँ अफरोज रब्बानी और आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। तो दोस्तों सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो है आपके स्पॉन्सर बटन की। ये किन लोगों को मिलेगा और कैसे मिलेगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपको पार करना होगा 1 लाख सब्सक्राइबर। जब आप इससे ऊपर जाएंगे तो ये जो बटन है ऑटोमेटिक आपके चैनल पे आ जाएगा और वहां पे आपको तमाम सारी चीजें पूछी जाएंगी, वो आप भर के आप इस स्पॉन्सर बटन को रिव्यू करा जाएगा YouTube के द्वारा और उसके बाद इनेबल कर दिया जाएगा। अब ये काम कैसे करेगा? तो दोस्तों आप जब आप इसे इनेबल करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको तमाम चीज़ें भरनी पड़ेंगी, जैसे कि आप जिसको स्पॉन्सर करेंगे उसको आप कहाँ पे उनके चैनल को चाहे उसके वीडियो को चाहे जो भी प्रोडक्ट है उसको कहाँ पे प्रमोट करेंगे, एंड में करेंगे, शुरू में करेंगे, मिडल में करेंगे, तो वहाँ पे आपको भरना होगा और उसको किस तरह से फ़ायदा मिलेगा ये भी आपको उसमें पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी, ताकि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो आपको किस तरह से उनको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये बटन काफ़ी अच्छा है यूट्यूबर के लिए, क्योंकि उसको जो स्पॉन्सर करेगा उनका वो रेट फिक्स होगा और उस रेट को वो पे करके उस चैनल का स्पॉन्सर बन जाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं विराट कोहली को इंस्टाग्राम पे तमाम सारे प्रोडक्ट मिलते हैं और उसके वो स्पॉन्सर बनते हैं, ऐसे ही ये स्पॉन्सर बटन काम करेगा। दूसरे अपडेट के बारे में बात करते हैं तो ये है आपके यूट्यूब कॉपीराइट टूल है। ये आप टूल कैसे काम करेगा, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं और उसको क्या करता था YouTube ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बताता था कि ये कॉपीराइट है और आपको नहीं मालूम चलता था, जिसका भी वीडियो होता था जिसका वो मेन ओनर होता था उसे नहीं पता चलता था कि आखिर किस आदमी ने मेरा वीडियो अपलोड किया है। ये केवल YouTube का एल्गोरिथम पकड़ पाता था और वही आपको कॉपीराइट देता था या जो भी हो सकता, और बाद में जो भी उसका ओनर होता था उसे नहीं पता चलता था कि किस आदमी ने और कितने लोगों ने मेरा वीडियो अपलोड किया है और कितने लोगों ने उसको कट करके अपलोड किया है, कितने लोगों ने पूरा ही री अपलोड कर दिया। और इस तरह से आप कोई भी वीडियो अब अगर आप अपलोड करेंगे तो आपका जो मेन ओनर है जिसका आप वीडियो यूज कर रहे हैं उसको एक मैसेज जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए और वो पता लगा पाएगा कि उस आदमी का वीडियो आपने कितने परसेंट यूज किया है और किस ने यूज किया है। जितने भी लोगों ने आपका वीडियो को अपलोड किया होगा, री अपलोड किया होगा या उसे कट करके मिक्स करके भी अपलोड किया होगा, तो YouTube उसे पकड़ के डायरेक्टली उस ऑनर के मैसेज कर देगा ताकि उसको एक्शन लेने का मौका मिल जाए। अब क्या होगा कि उस आदमी को क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे कि वो क्या एक्शन ले सकता है? तो दोस्तों पहले क्या होता था कि जब अगर कोई भी आदमी उसे पकड़ पाता था तभी वो कोई एक्शन ले रहा था या कॉपीराइट स्ट्राइक दे पाता था, लेकिन अभी उसको 3 ऑप्शन मिलेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक देने के लिए। पहले उसको ऑप्शन जो मिलेगा वो उसमें एनीवे लिख देगा, यानी उसका जो ऑप्शन है वो उस पर अगर क्लिक कर देगा तो आपको ना तो कोई दिक्कत है ना उसे कोई दिक्कत है। उसके बाद आपको डायरेक्टली उस आदमी से कॉन्टेक्ट करने का मौका मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए आपने मेरा वीडियो अपलोड किया और मुझे नोटिफिकेशन आया तो मुझे ऑप्शन मिलेगा कि मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूँ डायरेक्टली, कि मैं आपको ये वीडियो हटाने के लिए बोल सकता हूँ चाहे डिलीट करने के लिए, चाहे मैं बोल सकता हूँ कि भैया हमको जो इस पे एड आएगा उसका पैसा हम लेंगे, बाकी आप वीडियो चलाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो मिलेगा वो है डायरेक्टली आपको स्ट्राइक देने के लिए। तो दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो आप अपलोड करते हैं और मुझे लगता है कि मुझे आपको स्ट्राइक देनी चाहिए तो मैं डायरेक्टली आपको स्ट्राइक दे सकता हूँ और आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे इस टूल में, तो ये काफ़ी अच्छा है, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग मेरी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे और आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कौन आदमी कितना परसेंट आपका वीडियो अपलोड कर रहा है वो अपने चैनल पे, तो आप लीगली कोई भी एक्शन ले सकते हैं क्योंकि वो वीडियो तो आपका है और आपकी मर्जी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों अपडेट अच्छी लगी होंगी और YouTube का मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा अपडेट है। तो दोस्तों आप भी बताइए कि ये अपडेट कैसा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में हमको बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, गुड बाय।